नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल के शिक्षक ने की आत्महत्या। कमरे में फांसी पर लटकी मिली लाश। लोगों ने बताया हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था टीचर। गौरेला पेंड्रा मरवाही GPM जिले में गुरुवार को सरकारी स्कूल के शिक्षक की लाश फांसी पर लटकी हुई मिली है। शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद कासिया गौरेला के आमाडोब गाँव के छोटकी रिवार के सरकारी स्कूल में पदस्थ थे। पुलिस केस दर्ज कर आत्महत्या की जांच में जुट गई है। मामला गौरेला थाना अंतर्गत खोडरी चौकी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक खोडरी चौकी इलाके में शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद कासिया किराए के मकान में रहते थे। स्कूल में गर्मी छुट्टी लगने पर उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर मायके गई हुई है। शिक्षक घर में अकेले थे। गुरुवार सुबह काफी देर तक वे घर से बाहर नहीं निकले तो आसपास के लोगों ने उन्हें आवाज दी। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी जब सुरेंद्र घर से बाहर नहीं निकले तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो शिक्षक सुरेंद्र का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद लोगों ने मकान मालिक और खोडरी चौकी पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को फांसी के फंदे से उतरवाया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और परिजनों को सूचना दी। SDOP अशोक वाडेगांवकर ने बताया कि शिक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की, ये परिजनों से पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा। मामले में घर वालों, स्कूल के शिक्षकों और परिचितों का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने कहा कि आसपास के लोगों ने बताया कि शिक्षक को शराब पीने की लत थी और वो अधिकतर नशे में ही रहता था। SDOP अशोक वाडेगांवकर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।